और जहाँ जहाँ कांग्रेस ने ओपीएस की बात करी वहाँ कांग्रेस को जीत मिला, आपने पंजाब में ओपीएस की बात करी आपको पंजाब में जीत मिला, हरियाणा में ओपीएस को लेके कैसे देखते हैं? ओपीएस की जो यात्रा थी, हमने तो उनको खुले तौर पे पहले भी कहा, जब हम पहले विपक्ष की भूमिका में थे, ओपीएस की जब भी बात होती थी ओपीएस की हमने पूरी वकालत करी है, क्योंकि मैं तो खुद, मैंने बताया फादर हमारे फौज में थे, हम तो वन रैंक वन पेंशन की भी बात करते हैं जो आज तक पूरी तरीके से नहीं मिली है। ओपीएस का भी, क्योंकि एक व्यक्ति पूरा जीवन अपना दे देता है देश की सेवा में, लोगों की सेवा में, और जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब वो काम की दृष्टि से कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि बुढ़ापे का एक जो सहारा है आत्मनिर्भरता के साथ स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का, तो वो ओपीएस है। तो इसलिए ओपीएस को ना केवल हरियाणा में, हम तो नेशनल लेवल पे पार्टी का ये सैद्धांतिक डिसीजन है, हम ओपीएस के समर्थन में, और जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनेगी, जहाँ जहाँ भी हम चुनाव में जाएंगे, हम पुरानी पेंशन बहाली की पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, और जब मौका देगी जनता वहाँ पर लागू